नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बलिया निर्भया गैंगरेप के दरिंदों को फांसी 22 जनवरी को तय। बलिया दिल्ली गैंगरेप के दोषियों की फांसी की तारीख तय होने के बाद विक्टिम निर्भया के गांव के लोग और रिश्तेदार काफी खुश हैं। इन लोगों का कहना है कि न्याय भले ही देर से मिला पर सही मिला है। अब 22 तारीख का इंतजार है कि उन सबकी फांसी भी देखें। वही पीड़िता के दादा का कहना है कि फैसला देर से आया पर आज कोर्ट का फैसला सुनकर काफी संतुष्टि मिली है और पूरा परिवार खुश है। यही नहीं, क्षेत्र के लोग भी इस फैसले से खुश हैं। उनका भी कहना है कि न्याय मिलने में देर हुई, हैदराबाद के दोषियों जैसा त्वरित न्याय मिलना चाहिए। पेश है बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। अपना परिचय यही, अश्विनी कुमार पांडे। हुई बहुत खुशी हुई, मैं तो जब से कोर्ट चालू हो गया तभी से मैं उसी टीवी पर निगाह भी रहा। अब जो ही ये जारी हो गया कि नहीं, 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी के फंदे पर लटका दीजिएगा, खुशी से हमको झूम गए। और मैं मिठाइयों का अंबार चारों तरफ सारथी जो भी दरवाजे पर आए सबको खिलाए पिलाए, सब बहुत सब लोग प्रसन्न है। जो भगवान करते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आज वो समय पूरा हो गया, वो हो गया और 22 को तो उसको जाना ही है। बकरवा के माई को दिन खैर मनाई, बोआ पेड़ बबूल का आम कहाँ तेज कैल माई बाबू उनकर जौन हेतु रल पागलन जा। फुफेरा दादा हूँ और फैसला तो बहुत देर से आया, लेकिन हम लोग बहुत खुश हैं। इसमें मिठाई लड्डू प्रसाद से बंट रहा है और उस दिन का इंतजार है, तो 7 बजे का हम लोग उसकी फांसी के देखे हैं। फैसला तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बहुत इंतजार करना पड़ा हम लोगों को। अब इसमें किसको दोषी कहा जाए, लेकिन फैसला अच्छा आया, हम लोग बहुत खुश हैं। फैसला पर मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन देर से आया, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मैं बहादुर बिटिया का चचेरा दादा हूँ। यह तो और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब से घटना घटी तब से आज तक कोर्ट का चक्कर लगा, आए दिन निर्भया का चेहरा सामने आता रहा। आज जब कोर्ट द्वारा यह फैसला सुनाया गया कि चारों दोषियों को 22 जनवरी 2020 को सुबह 7 बजे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, इससे हमको बहुत संतुष्टि हुई। हम सभी परिवार, मैं खुद खुशी से झूम उठे। इतना ही नहीं, हमारे गांव के बहुत लोग, सारे लोग, हमारे सभी साथी, हमारे आसपास गांव गिरान के लोग खुशी से झूम गए। मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया, कोई चाय बनाकर पिलाना शुरू कर दिया और इससे हमको बहुत खुशी हुई। और ये मेरे लिए एक महान दिन है जो कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सज़ा के लिए 22 जनवरी 2020 के सुबह में डेट डाल दिया है। शांति सिंह है, तेज बोल। शांति देवी है, मैं निर्भया की बहन हूँ, चचेरी बहन हूँ। मैं कोर्ट का फैसला आया तो मैं बहुत खुश हूँ। इतने साथ मेरे साथ मेरे दीदी का इंसाफ होने में 7 साल लगा है। ये इंसाफ के लिए हम तरसते थे, आज हमको खुशी मिला है कि हमारी दीदी का न्याय मिलने का अवसर आ गया है। 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी की सजा मिल का डेट वायरल हुआ है, इसलिए हम बहुत खुश हो गए हैं। करेंगे, हम बहुत खुशी महसूस करेंगे, हम ऐतु करेंगे, हमारी पूरी गांव महसूस है। बहुत यही दिन की हमारी पूरी गांव, हम लोग पूरी तलाश में थे कि हमारी दीदी का कब इंसाफ मिल रहा है। मैं निर्भया का चचेरा दादा हूँ। यह तो बहुत अच्छा हुआ है और यह मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए या मेरे साथियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत VIP दिन है। और न्यायालय से न्याय उचित मिला, ठीक मिला, किंतु थोड़ा विलम्ब से मिला। अगर यही न्याय 5 वर्ष पूर्व मिल गया होता तो अपराधियों का हौसला कुछ प्रस्त हो जाता और महिलाओं लड़कियों का हौसला
बुलंद होता, क्योंकि अपराधी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि ऐसे ही फांसी पर हम लोगों को भी झूलना पड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, न्यायिक प्रक्रिया में लेट होता ही है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही न्यायालय अपना जजमेंट देता है, अपना जजमेंट दिया और उचित दिया, ठीक दिया, और यह भी तय हो गया कि 22 जनवरी 2020 को प्रातः 7 बजे उन अपराधियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। समय तक तो बिटिया का चेहरा सदैव हमेशा सामने आता रहा, कब न्याय मिले, कब फांसी के फंदे पर झूले। आज कोर्ट ने वह सब कुछ दूर कर दिया और अपराधियों की फांसी की सज़ा सुना दी। लोग बहुत खुश हैं, मैं ही नहीं, हमारे साथी, हमारे गांव के लोग, हमारे आसपास के लोग भी बहुत खुश हैं। यह समाचार पाते ही सभी खुशी से झूम गए, किसी ने मिठाई वितरित किया, खिलाया, किसी ने चाय की चुस्की पिलाया। जाड़े का मौसम, गांव में जो जैसा मिला उससे खुशी जाहिर किए। हाँ, अब जाकर मेरी बिटिया को, कि आत्मा को शांति मिली।